पाम संडे क्यों मनाते हैं? Why पाम संडे इज सो इम्पोर्टेंट? पाम संडे को खजूर रविवार या होसन्ना पर्व भी कहते हैं, जिसे मसीही लोग 40 दिनों के उपवास के समय ईस्टर से पहले मनाते हैं। पाम संडे कब मनाया जाता है? पाम संडे ईस्टर और गुड फ्राइडे से पहले रविवार को मनाया जाता है। इससे खजूर रविवार भी कहा जाता है, जिसमें मसीही लोग जुलूस निकालते हैं और सभी मसीही बच्चे और बुजुर्ग लोग मिलकर हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए एक साथ होसन्ना के गीत गाते हुए जुलूस में झांकियों के साथ चलते हुए इस पाम संडे को मनाते हैं। पाम संडे क्यों मनाया जाता है? इस दिन लोगों ने यीशु का स्वागत खजूर की डालियों को लेकर उनके मार्ग में डालकर स्वागत किया था, इस कारण इस दिन को पाम संडे या खजूर रविवार कहते हैं। यीशु मसीह अपने जीवन में समय के पाबंद थे। ये दिन किस रीति से यीशु के लिए महत्वपूर्ण था और हमारे लिए किस रीति से महत्वपूर्ण है? यीशु मसीह के जीवन काल में उनके लिए की गई बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। यीशु मसीह का जन्म भी भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था, उसी प्रकार पाम संडे भी भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। संत पौलुस पुराने नियम को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्रियों में इस बात का जिक्र किया कि यीशु मसीह भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। स्वयं यीशु ने कहा, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूँ। और वे चाहते थे कि उनके जीवन काल में और उनके जीवन से प्रत्येक कार्य से कही गई भविष्यवाणियां पूरी हो। शायद इसलिए वे हमेशा कहते थे, मेरा समय अभी नहीं आया है। पाम संडे की भविष्यवाणी, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जकर्याह 9:9। यीशु जानते थे कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए ही हुई है, और वे जानते थे कि मेरी सेवकाई में और जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु अपने जीवन के उद्देश्य को और बुलाहट को जानते थे। यीशु जानते थे इस संसार में उनका शारीरिक जीवन सीमित है, तो उसे ठीक समय में पूरा होना जरूरी है। प्रभु यीशु की योजना नए नियम में स्पष्ट है कि वे किस उद्देश्य से इस धरती में आए थे। प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है। लूका 19:28। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए स्वयं पहल की। अनेक बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें स्वयं पहल करना चाहिए। यीशु अपने चेलों को भेजता है ताकि उस गधे के बच्चे को भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए लेकर आया जाए। वे सर्वज्ञानी हैं, उन्हें पता था वहां गधे का बच्चा है और उस गधे का मालिक क्या बोलेगा। प्रभु अपनी महिमा के लिए साधनों का उपयोग करते हैं। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। भजन संहिता 118:26-27। कंक्लूजन। पाम संडे या खजूर रविवार एक विजयी यात्रा का प्रतीक है। मसीह लोग खजूर की डालियां लेकर चलते हैं। खजूर की डालियां भी एक विजय का चिन्ह है, जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य 7:9 में देखते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह एक महान विजय को दर्शाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। आपके ऐसे भले कार्य से हमें उत्साह और बूस्ट मिलता है और अच्छा करने का। धन्यवाद।